स्थिति जैसे मैं कल मैंने किया, कुछ लोग आए बैठे बात हुई, अब लोग मैं कहूँ उनसे कि आप सद्भाव बढ़ाओ, ये समस्या है, खाद का दाम है, बिजली का रेट है, पैसा नहीं मिल रहा है, इकट्ठे नहीं हो गए, सब किसान इकट्ठे हो जाओ, दंगे वंगे बंद करो, मैं कहता हूँ उसके पहले ही वो लोग शुरू हो जाते हैं। अब लोग मुझको बताते हैं कि यहाँ पे इतना गुस्सा है लोगों में, इतनी परेशानी है, तो इसलिए अब वो ये दूसरे चरण में हम आ गए। अब जनता जागरूक हो गई है। अभी तक तो, अभी 6 महीने पहले तक वातावरण फर्क था, लोग मोदी के खिलाफ सुन रहे थे लेकिन ज़्यादा दिल से नहीं सुन रहे थे। अब 6 महीने के अंदर अब वो खुद मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, हम तो आप अखबार पढ़ के टीवी में देख के ये बताते हैं, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, गन्ने का पैसा नहीं मिला, MSP नहीं मिल रही, वो तो महसूस कर रहा है आदमी, उसकी जेब से तो रोज़ पैसा जा रहा है। कभी GST में इतना पैसा दिया था आपने, सेल्स टैक्स में जितना आज दे रहे हैं, हर एक चीज़ में GST लग गई, तो आम आदमी के पास तो पैसा खर्च करने के लिए है ही नहीं। तो ये एक लोगों में गुस्सा है सरकार के प्रति, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली